हेलो दोस्तों, तो इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि आप डी फिट और गूगल फिट की मदद से कैसे अपने पोकेमोन गो में किलोमीटर्स ऐड कर सकते हो। डिस्टेंस जो वॉकिंग का है वो आप ऐड कर सकते हो। तो इसके लिए इस वीडियो को पूरा देखना ताकि आप कोई भी स्टेप मिस ना कर दो और कोई भी प्रॉब्लम ना हो। तो आइए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले इस आपको डी फिट और गूगल फिट जो एप्लीकेशन है वो आपको प्ले स्टोर से डाउनलोड करनी पड़ेगी। तो इसके लिए मैं इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वो आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं या फिर आप गूगल प्ले स्टोर पे सिंपली सर्च करके भी डाउनलोड कर सकते हैं। और इसके अलावा जो आपको पोकेमॉन गो में आपको चेंजेस करने पड़ेंगे, सेटिंग चेक करनी पड़ेगी, वो मैं आपको अभी बता दूंगा। तो सभी स्टेप्स को आप ध्यान से देखना ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। तो मैं आपको पहले अपने किलोमीटर्स दिखा देता हूँ। इस वीक में मैंने 65.1 किलोमीटर वॉक किया है। तो जो मेरा डेटा है वो अभी का है, ठीक है। तो ये मैं आपको बढ़ा के दिखाऊंगा कि कैसे ये बढ़ते हैं, वो भी बिना वॉकिंग के। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको सेटिंग में जाना है और जो कुछ सेटिंग है जो आपको गूगल प्ले में अनेबल करनी है, वो आपको सबसे पहले वो सेटिंग अनेबल कर लेनी है। सबसे पहले इसमें जो ये एडवेंचर सिंक्रोनाइज का ऑप्शन आ रहा है, इसको आपको ऑन कर लेना है। जैसे आप इस पर टिक करोगे तो ये आपका अनेबल सिंक हो जाएगा। तो इसको आपको ऑन कर लेना है और साथ में आपको ये देखना है जो इसमें बैटरी सेवर का ऑप्शन दिख रहा है ऊपर से चौथा ऑप्शन, वो आपका डिसेबल होना चाहिए। अगर ये ऑन रहेगा तो ये एप्लीकेशन प्रॉपर वर्क नहीं करेंगी, ठीक है। तो ये दोनों सेटिंग आपको अपने पोकेमॉन गो में कर लेनी है। उसके बाद आप अपने पोकेमॉन गो को बंद कर दो। अब हम आ जाते हैं जो आपको एप्लीकेशन आपको चाहिए प्ले स्टोर से, वो मैं दिखा देता हूँ। एक आपको ये डी फिट के नाम से एप्लीकेशन दिख रही है, आपको वो लेनी है। और एक गूगल फिट के नाम से एप्लीकेशन है, आपको वो लेनी है। ये दोनों एप्लीकेशन आपको प्ले स्टोर पे मिल जाएगी। आप सिंपली यहाँ पे सर्च करोगे गूगल फिट तो आपको गूगल फिट के एप्लीकेशन दिख जाएगी। ये इसका आइकॉन कुछ इस तरीके का आएगा, इसको आपको डाउनलोड कर लेना है। और जो दूसरी एप्लीकेशन है वो है डी फिट। तो जब आप डी फिट सर्च करोगे तो वो आपको एप्लीकेशन मिल जाएगी। तो आपको ये वाली एप्लीकेशन भी डाउनलोड कर लेनी है, ठीक है। तो जब आप ये दोनों एप्लीकेशन डाउनलोड कर लोगे तो इनमें क्या सेटिंग करनी है वो मैं आपको बता देता हूँ। तो जैसे मैंने कहा था, पोकेमॉन गो को हमने बंद कर दिया और अब हम ओपन करते हैं गूगल फिट। तो पहले मैं आपको गूगल फिट का डेटा दिखा देता हूँ। इसमें देखिए अभी जो वॉकिंग डिस्टेंस आ रहा है वो 0.29 किलोमीटर का आ रहा है और मोव 5 मिनट आ रहे हैं, ठीक है। तो ये अभी मेरा गूगल फिट का डेटा है जो अभी थोड़ी देर में चेंज हो जाएगा जब मैं जो दूसरी एप्लीकेशन है वो रन करूँगा। तो ये दूसरी एप्लीकेशन भी हम देख लेते हैं। जो दूसरी एप्लीकेशन है वो है हमारी डी फिट की। तो डी फिट हम लॉगिन कर लेते हैं। और एक बात इसमें देखने लायक है कि जो भी आप लॉगिन करोगे, दोनों एप्लीकेशन में अकाउंट की रिक्वायर्ड होगी अगर लॉगिन की, तो आप उसी अकाउंट से लॉगिन करिएगा जिस ईमेल आईडी से आपका गेम में लॉगिन है। गेम अगर आपकी कोई जो ईमेल आईडी गेम में है xyz@gmail.com है, तो उसी ईमेल आईडी से आपको ये दोनों एप्लीकेशन भी लॉगिन करनी है, अदरवाइज ये डेटा सिंक नहीं हो पाएगा आपस में। तो ये हमने अपनी डेबिट के एप्लीकेशन खोल रखी है। तो इसमें आप देख पा रहे जो मेरा लास्ट सिंक्रोनाइज का टाइम है वो है 11:41 का, तो जो मैंने लास्ट टाइम करा था। और इसमें अभी मेरे एक्टिव मिनट्स आ रहे हैं वो 202 मिनट लेफ्ट है, यानी कि मैं अगर अभी ऑन करता हूँ तो 202 मिनट तक ये रन करेगा, उसके बाद बंद हो जाएगा। अगर आपको ये मिनट्स बढ़ाने तो आपको इसके लिए ऐड वॉच करना होगा। तो ये ऐड आ रहा है, तो इस पर आप क्लिक करोगे तो ऐड चालू हो जाएगा। और जो ये नीचे आप देख रहे हैं हल्के कलर में दिया है वॉच ऐड टू 50 मिनट्स, तो जैसे ही आप ऐड वॉच करोगे तो आपको ये 200 मिनट और एक्स्ट्रा ऐड हो जाएंगे इसमें।
तो एक एक रन में आप मैक्सिमम 500 मिनट तक का रन कर सकते हो। तो मैंने आपको बता दिया कैसे आप मिनट सेट कर सकते हो। तो चलो हम इस एप्लीकेशन को ऑन कर लेते हैं और देखते हैं। और इसके अलावा जो ये सेटिंग है, आपको देखने के 1 किलोमीटर में आपको कितना वॉक करना है। तो इसमें जो स्पीड है वो 10.5 किलोमीटर पर आवर्स की है, ठीक है। तो ये आप चेंज कर सकते हो, आप मिनिमम या जैसे भी आप चाहोगे। तो आपके 1 किलोमीटर में कितना वॉक करना चाहते हो, तो उसके अकॉर्डिंग आप इसकी स्पीड को चेंज कर सकते हो। तो मैं रिकमेंड करूँगा कि आप मैक्सिमम स्पीड से थोड़ा कम ही रखिएगा, ताकि ये आपके जो डिस्टेंस है वो वॉकिंग के अकॉर्डिंग रिकॉर्ड करें, तो ये थोड़ा सेफ़ रहता है, ठीक है। तो हमने सारी सेटिंग कर लिया, और यहाँ से मैंने सिंक्रोनाइज को ऑन कर दिया। आप जैसे इस वाले बटन पर टैप करोगे, तो आपके जो ये एप्लीकेशन रन करना चालू कर देगी। ये आपका जो डेटा है वो 5 से 15 मिनट के बीच में सिंक्रोनाइज करेगी। तो मतलब हर 5 मिनट में ये डेटा आपका सिंक्रोनाइज करेगी गूगल फिट में, और जो हमारे पोकेमॉन गो का डेटा है वो गूगल फिट से डेटा उठाता है, ठीक है। यानी कि जो डी फिट है वो वर्क करेगी एज ए गूगल फिट का डेटा क्रैक करने में, और जो जब गूगल फिट का डेटा अपने आप अपडेट हो जाएगा, तो ये हमारा जो गेम है जब हम उसको ऑन करेंगे तो वो अपने आप वहाँ से सिंक्रोनाइज कर लेगा, ठीक है। अभी हम दोनों एप्लीकेशन को बंद कर, मतलब गूगल फिट को तो ऑन रखने की कोई ज़रूरत नहीं है, ना ही और पोकेमॉन गो को आपको बंद ही रखना है। अगर आप उसको बीच में चालू रखेंगे तो वो आपका डेटा को सिंक्रोनाइज नहीं करेगा। ये एप्लीकेशन तभी काम करती है जब आपका जो एप्लीकेशन है पोकेमॉन गो का वो बंद हो। तो ठीक है, तो आपने ये टाइम देख लिया। अभी हम कुछ 5 या 10 मिनट के बाद मैं आपको दिखाऊंगा कि इसने कितना डेटा ऐड करा। तो गाइस, जैसा मैंने आपको बताया था, तो जो लास्ट सिंक्रोनाइज टाइम है वो मेरा बढ़ गया है। अभी जो लास्ट सिंक्रोनाइज है वो मेरा 20:27 का आ रहा है, यानी कि 8:27 पे ये लास्ट सिंक्रोनाइज हुआ है, और जो लास्ट मेरा डे आपको टाइम दिखाया था उससे ये ज़्यादा है। डेटा देखोगे तो ये भी चेंज हो गया। अभी इसने मेरे 3.35 किलोमीटर ऐड कर दिया, यानी कि टोटल जो मेरा वॉक हो गया है वो 3 किलोमीटर से ज़्यादा का मेरा डेटा ऐड हो गया है गूगल फिट में। आप देख लेते हैं पोकेमॉन गो ऑन करके कि वहाँ पे ये डेटा सिंक्रोनाइज होता है या नहीं। तो मैं अपना गेम को ऑन कर लेता हूँ। तो जो मेरा अभी जो गेम है वो चालू हो गया है यहाँ से। तो देखिए, जैसे मैंने जैसे ही ऑन करा तो मेरा जो एग लगा था वो हैच हो गया, यानी कि इसने डेटा ऐड करा है, ठीक है। तो देख लेते हैं अभी वहाँ पे हमारे गूगल फिट में 3 किलोमीटर ऐड हुए थे, और यहाँ पे देख लेते हैं अभी कितने किलोमीटर इसने ऐड करे है। तो मैंने आपको सबसे शुरू में आपको इसका किलोमीटर्स दिखाए थे कितने हैं, तो अभी देखते हैं ये बढ़ के कितने हो गए। तो देखिए यहाँ पे ये बढ़ के 68.2 किलोमीटर ऐड हो गया जो डेटा है, और जो पिछला डेटा था मेरा जो मैंने आपको शुरुआत में दिखाया था वो डेटा ये था। तो देख पा रहे हैं इसमें लगभग 3 किलोमीटर का डिफरेंस ऐड हो गया है। तो इसी तरीके से आप जो आ गया है वो जो डिस्टेंस है वो ऐड कर सकते हैं। तो ये था इन दोनों एप्लीकेशन का रिव्यू। अगर आपको इन दोनों एप्लीकेशन को यूज़ करने में कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हैं, मैं आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व करने की पूरी कोशिश करूँगा, ठीक है। और मैं आपको एक राय देना चाहूँगा कि आप जो भी मैक्सिमम वॉक करो वो हफ्ते में 200 किलोमीटर के ऊपर ना करिएगा, क्योंकि जैसे ही आप ज़्यादा डेटा, अगर आप इसमें रॉन्ग डेटा ऐड करोगे तो ये आपके आईडी को बैन भी कर सकता है, ठीक है। तो आप कोशिश करिएगा कि मिनिमम 200 किलोमीटर के अंदर ही रहें, तो आपकी आईडी सेफ़ रहेगी। तो ये था आज के वीडियो में। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और सब्सक्राइब हमें कर दीजिएगा अगर नहीं करा है। मैं मिलता हूँ आपसे नई वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।